गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू चैनल डियर फ्रेंड्स आई एम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड अनदर पार्ट ऑफ दिस क्रैक टेक्निकल इंटरव्यू सीरीज और बेटा ये होने वाला है हमारा एपिसोड नंबर जैसा कि आप जानते हो हर एपिसोड में मैं आपको पांच क्वेश्चन बताता हूँ अलॉन्ग पॉसिबल क्रॉस क्वेश्चनिंग दैट यू कैन फेस वाइल फेसिंग अ टेक्निकल इंटरव्यू पैनल और जैसा आप जानते हो बहुत ही जल्द एच ए एल एच पी सी एल इन सबके इंटरव्यूज अपकमिंग है और जो गेट 2020 और 2021 में मचाए हैं उन बच्चों के भी पी के टेक्निकल इंटरव्यूज अपकमिंग है तो ये सीरीज बेटा आपको काफी ज्यादा मदद करने वाली है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये इनिशिएटिव्स पहुंचे और उनको इनका बेनिफिट मिल पाए तो चलिए लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ माई नेम इज़ अंकित गोयल आई गॉट ऑल इंडिया रैंक वन ट्वाइस इन गेट इन 2014 एंड ट्वेंटी आई वॉज अवारेड गोल्ड मेडल बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ इन द ईयर ट्वेंटी थर्टीन वेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई आई टी टिल डेट आई हैव ट्रेंड ओवर टू लैक स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एंड दफलाइन क्लासेज एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट अन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों में कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो हमारी अन अकेडमी टीम है क्रिएट्रिक्स टीम है ये आपके लिए ताबड़तोड़ तरीके से दिन रात एक करके मेहनत करती है और ये मेक एक श्योर करती है कि आप लोग जिस किसी एग्जाम की तैयारी करें उस एग्जाम के अंदर आग लगा दें उस एग्जाम में एकदम मचा दें ताकि आपको कहीं से कहीं तक भी कोई तरह की दिक्कत फेस ना हो और आप लोग अपने करियर को स्मूथली आगे कैरी ओवर कर पाएं लेकिन बेटा इस विजन के साथ जो हमारी कोशिशें हैं ना वो सिर्फ यूट्यूब तक नहीं है दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री ऑन अन अकेडमी ऐप तो अनअकेडमी ऐप सभी के फोन में होना चाहिए और वहाँ पे हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को आप एंजॉय करो सिंपली बस उन्हें अनलॉक करने की देर है यूजिंग द कोड अंकित ई ठीक है और देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है आरबिट डॉट ली स्लैश अंकित एस यहाँ पे अगर बच्चों आप जाओगे ना तो अपकमिंग के अंदर मेरी आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस आप पाओगे और जो ऑलरेडी हो चुकी हैं बेटा वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर मिलने वाली है फिर चाहे पी एस यू हो गेट हो इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ लगाए हैं और सबसे बढ़िया बात यह ना यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की भरमार मिलती है तो जो आपका प्रॉब्लम है प्रैक्टिस क्वेश्चन का ना वो सारा यहाँ से सॉल्व हो जाता है चलो तो शुरू करते हैं भाई इंटरव्यू क्वेश्चन का राउंड सिक्स एपिसोड सिक्स और देखते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एक टेक्निकल इंटरव्यू में मेरे भाई पूछे जा सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई हाउ इज द प्रेशर कॉइल कनेक्टेड इन अ अ नो लोड टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल है है क्यों ब्यूटीफुल ये क्योंकि यहां ना आपका मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को मशीन के साथ जोड़ दिया गया है अब क्या होता है प्रेशर कॉइल की जो ये बात कर रहा है ना ये बात कर रहा है वॉट मीटर की आप जैसा जानते हो चाहे ओपन सर्किट टेस्ट हो चाहे शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो वहां पे हमें एक वॉट मीटर लगाना पड़ता है टू मेजर द पावर इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर और वहां पे जब पावर इनपुट मेजर करोगे तो वॉट मीटर के दो पॉसिबल कनेक्शन हो सकते हैं एक एम सी कनेक्शन और एक एल सी कनेक्शन एम सी का मतलब है मेन कॉमन एल सी का मतलब है लोड कॉमन तो डिपेंड करता है कौन से टर्मिनल को आप कॉमन करने वाले हो इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू मेजर द पावर इनपुट टू अ ट्रांसफॉर्मर अब यहां पे देखो दोनों कनेक्शंस में डिफरेंस क्या होता है द डिफरेंस मेजरली इज द एरर दैट दे प्रोड्यूस अगर प्रेशर कॉइल लोड के करीब होती है तो वहां पे प्रेशर कॉइल के कारण एरर आता है और अगर आपकी करंट कॉइल लोड के करीब होती है तो करंट कॉइल के कारण एरर आता है अब बात यह है चलो हमें ये तो नॉलेज है लेकिन सर इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करें इसके आंसर को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में दें अब आप सबसे पहले क्या बात कर सकते हो आप ये बात कर सकते हो केस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर वी आर इंटरेस्टेड टू मेजर कोर लॉसेस मींस ऑफ अ वॉट मीटर वन बाय वन जाएंगे टेस्ट पे तो पहले ओपन सर्किट टेस्ट पे उतर जाओ ओपन सर्किट टेस्ट में क्या मेजर करना चाहते हो भाई आप मेजर करना चाहते हो कोर लॉस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आप बोलना ओपन सर्किट टेस्ट द करेंट टेकन बाई ट्रांसफॉर्मर इज एक्ट विच इज फोर टू सिक्स करेंट दीन्स भाई ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया हमने ये बताया फिर हमने ये बताया ओपन सर्किट टेस्ट में आपका नो लोड करेंट बहुत छोटा होता है नेक्स्ट पॉइंट यू से इनकेस ऑफ लाइट लोड कंडीशन और इन केस ऑफ लो करेंट द करेंट कॉयल मस्ट बी कनेक्टेड नियर टू द ट्रांसफॉर्मर ओके सो दी कैन मिनिमाइज दिन द रीडिंग इससे ज्यादा डिटेल में मत जाना बताता हूं क्यों अगर आपको मालूम भी है ना बेटा की कनेक्शन कैसा दिखेगा कैसा एरर आएगा तो आपने ना यहाँ स्कोप छोड़ दिया थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग का कि अगर सामने वाले को मेजरमेंट की नॉलेज है वो डेफिनेटली आपसे ना क्रॉस क्वेश्चन करेगा क्या करेगा ना आपको एक पेन पेपर दे करके ये बोलेगा आप ये डायग्राम बना के दिखाओ कि भाई कैसे तुम बता रहे हो कि एरर मिनिमाइज हो जाएगा अगर आप वहां पे फिर डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे आप कहेंगे यहाँ लोड की जगह क्या होगा एक ट्रांसफॉर्मर होगा द लोड विल बी रिप्लेस बायसफॉर्मर एंड वेन एवर द करेंट कॉल इज नियर टू द लोड द एरर इज एक्चुअली गिवन बाय आई स्क्र आर एंड वेन आई से आई स्क्वायर आर री वेरी लो द एरर विल बी वेरी लो अब अगले पे आते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगला क्या बोलोगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडेड टू मेजर दोड कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट थिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडेड एट रेटेड करेंट सो कनेक्टिंग द करेंट कॉइल नियर द ट्रांसफॉर्मर वुड बी अ बैड आइडिया बिकॉज करेंट विल बी हाई हैं हाई So we connect प्रेशर कॉइल नियर टू द ट्रांसफॉर्मर बिकॉज इन दैट केस एरर विल गेट मिनिमाइज अगेन आपने स्कोप छोड़ दिया बेटा क्रॉस क्वेश्चनिंग का आपका आंसर एकदम टू द पॉइंट है एकदम करेक्ट है लेकिन क्योंकि आप आगे की कहानी जानते हो तो आप चाहते हो कि वो आगे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे फिर आप क्या करोगे आप इस टाइप का सर्किट बना के दिखाओगे और आप बताओगे कि एरर में वी स्क्वायर बाय आर का यूज होता है तो यहां पे आपका एरर मिनिमाइज हो सकता है अगर पोटेंशियल कॉइल लोड के करीब है या ट्रांसफॉर्मर के करीब है वो कहेगा कैसे क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वी नेवर यूज रेटेड वोल्टेज वी एक्चुअली यूज वोल्टेज लेस देन रेटेड इफ द वोल्टेज इज स्मॉल द एरर विल बी स्मॉल तो एक बार समराइज कर देता हूं ओपन सर्किट टेस्ट का पर्पज इट इज कंडक्टेड एट नो लोड सो द करेंट इज वेरी वेरी लो सो करेंट कॉइल शुड बी नियर

कि यही चीज वायर डायग्राम आप एक्सप्लेन करो एंड देयर यू शो केस योर टैलेंट यू विल शो केस योर नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थ्री नॉट प्रोड्यूस आर एम एफ वेन थ्री फेज इंडक्शन मोटर डज तो बहुत सटीक जवाब देना पड़ेगा इसका मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर जानते हो क्या होता है आप ये कहोगे आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूज इन थ्री फेजेज वेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन थ्री फेज वाइंडिंग कैरी बैलेंस्ड करेंट्स विच आर फेज शिफ्टेड बाई वन ट्वेंटी डिग्री सेकेंड थ्री फेज दाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय ट्वेंटी डिग्री इलेक्ट्रिकल तो पहले आपने कंडीशन समझा दी भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की नेसेसरी कंडीशन क्या है नाउ वॉट यू विल से इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑन अ स्टेटर द्री फेजिंग आर डिस्प्लेस बाय ट्वेंटी डिग्री बट इन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर द करेंट मे हैिफ्ट ऑफ वन ट्वेंटी बट वाइंडिंग आर नॉट डिसग्री इन स्पेस आपने क्या बोला थ्री फेज के इंडक्शन मोटर के स्टेटर में तीनों वाइंडिंग वन ट्वेंटी डिग्री इलेक्ट्रिकल पे रखी होती है ट्रांसफॉर्मर में भले ही इनके अंदर बैलेंस करेंट हो लेकिन इन वाइंडिंग्स का मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट वन ट्वेंटी नहीं होता यानी वहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा अब अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको आगे ग्रिल करेगा आपसे पूछेगा ये बात कि भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है तो थोड़ा बहुत भाई बना के बता देना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो थ्योरी है

कि जीरो से वन में मोटरिंग मोड होता है ठीक है नेगेटिव में जनरेटिंग मोड होता है ग्रेटर देन वन में ब्रेकिंग मोड होता है ठीक है तो ये ग्राफ बना के आप अलग अलग जोन बता देंगे इससे ज्यादा इसमें उतरने की जरूरत नहीं है ज्यादा अगर नॉलेज दिखानी है फिर भी तो आप क्या करना ना आप ये बता देना ये वाला जो रीजन होता है जीरो स्लिप से लेके एस एम टी तक दिस इज योर ऑपरेटिंग रीजन आप ये बता देना इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की बेटा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है उसको अगर क्रॉस क्वेश्चन करना है रिलेटेड टू टॉक स्लिप कैरेक्टर्स ठीक है ठीक है ये ग्राफ के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं एस क्या होता है ब्रेक डाउन टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है करने दो कोई दिक्कत नहीं है बट आप इस आंसर को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कीजिए क्योंकि बताने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट चीजें आ जाएंगी ज्यादा करो तो ये बता देना भाई मैक्सिमम टॉर्क होता है है ना पूछने दो आगे उसको अगर जानना है आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज मोटर ओवर सिंगल फेज मोटर तो ये वाला बेटा सटीक एकदम थ्योरी वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर ज्यादा डिटेलिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आप ये कोशिश करना जब कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज इस टाइप का सवाल आए तो तीन चार बता दो मोर देन एनफ है थ्री फेज में स्टार्टिंग टॉर्क हायर है बिकॉज द पावर ऑफ थ्री फेज इज थ्री टाइम्स द सिंगल फेज स्पीड रेगुलेशन इज बेटर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नो लोड एंड द लोड स्पीड इज लेस लेस वाइब्रेशन बिकॉज द हार्मोनिक्स गेट कैंसल्ड आउट सेकेंडली वॉट यू कैन से इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देर आर टू मैग्नेटिक फील्ड वन रोटेटिंग फॉरवर्ड वन रोटेटिंग बैकवर्ड बट इन थ्री फेज देयर इज सिंगल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कारण से वाई एक तरह से जो रोटेशन है वो स्मूथ होता है ऑपरेशन इज क्वाइट अगेन ऑपरेशन क्यों क्वाइट है क्योंकि रोटेशन स्मूथ है तो यहां पे आप बता सकते हो ना अगर आप चाहो आगे का डिस्कशन छेड़ना तो कहीं ना कहीं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को इंक्लूड कर लेना बाई डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी वी नो दैट आ सिंगल फेज मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजोल्ड इन फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रेट कैंसल तो एक ही बचेगी ये बता देना वो आपको थोड़ा सा आगे ग्रिल करना चाहेगा तो ग्रिल कर सकता है क्योंकि यार आप लोग मशीन फ्रॉम दस्ट एजुकेटर्स पढ़े हुए हो तो मैं जानता हूँ कि आप लोग आंसर करने में फिर भी केपेबल रहोगे लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का द सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज लो रेजिस्टेंस वाइल द शंट फील्ड वाइंडिंग हैज हाई रेजिस्टेंस बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन टूट मत पड़ना इस पर थोड़ा सबर करके सोच समझ के फिर आंसर करिएगा तो क्या आंसर करोगे द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर सो इट कैरीज हाई करेंट नाउ टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर एम एम एफ फॉर हाई करेंट इट नीड्स लेस नंबर ऑफ टर्न्स सो दिस वाइंडिंग विल हैव टू कैरेक्टरिस्टिक लेस टर्न्स मोर क्रॉस सेक्शन एरिया आप क्या बताओगे आर्मेचर के सीरीज में तो हाई करंट कैरी कर रहा है और एमएमएफ बनाने के लिए अगर करंट हाई है तो कम टर्न्स का यूज करेगा लेकिन करंट हाई है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो सीरीज वाइंडिंग में लेंथ कम होगी एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हो गया कम नेक्स्ट पॉइंट शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलल टू द आर्मेचर

तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी ज्यादा टर्न्स के कारण और एरिया कम होगा कम करंट के कारण इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो यही चीज बता सकते हो ठीक है यही चीज यहां लिखी है सीरीज वाइंडिंग टेक्स द फुल लोड करेंट सो रिक्वायर्स वेरी फ्यू टर्न सो इट टू प्रोड्यूस द नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड देयर फोर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज लो रेजिस्टेंस बट इन केस ऑफ शंट इट टेक्स द फुल लोड वोल्टेज एंड रिक्वायर्स अ लार्ज टर्न्स टू लिमिट द करंट देयर फोर इट हैज हाई रेजिस्टेंस ठीक है तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसके अंदर ज्यादा कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेगा भी नहीं ठीक है अब ये जरूर हो सकता है बेटा सीरीज और शंट मोटर पे कूद जाए उनकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे कूद जाए बट वो एक बहुत वाइल्ड जंप हो जाएगा लॉजिकली इसके आगे इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं बनती है ठीक है बट देन अगेन बेटा एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके लिए ना इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कंसेप्ट है वो बहुत रॉक सॉलिड तरीके से तैयार होना चाहिए अगर आप कोई टेक्निकल इंटरव्यू फेस कर रहे हो वहीं मैक्सिमम स्कोप है क्वेश्चन पूछने का और क्रॉस क्वेश्चन करने का तो अगर बेटा अच्छा लगा हो ये सेशन तो जरूर लाइक करना शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना इसके बारे में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए ठीक है और अगर मेरे साथ पावर सिस्टम तैयार करना है तो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस पे पावर सिस्टम है एट सेम से तो अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ई जिससे डिस्काउंट भी मिलेगा एंड यू विल कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस और देखो बेटा हर संडे कॉम्बैट तो कर लेना, code, अंकित EAC, में मचाओगे तो यू कैन हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप ऑन नेक्स्ट सैटरडे होने वाला है भाई, फुल टेस्ट बार्क, तो ये पे मिलेगा, फ्री है बेटा इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो यूजिंग द सेम कोड इसके अंदर मचाओ और अपने बार के नंबर बढ़ाओ और ये मेरा अन अका प्रोफाइल है मुझे फॉलो कर लेना यहां मुझे मैसेज कर सकते हो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां हम डेली क्वेज कराते हैं हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आता है तो इसको ज्वाइन करके रखिएगा बेटा सो थैंक यू एवरी वन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेटा बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे फिर मिलेंगे इसी तरह के एपिसोड नंबर सेवन में और कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ तब तक आप लोग इसी तरह से अपनी तैयारी को कायम रखो मचाते रहो फोड़ते रहो लेट्स क्रैक इट